दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और अभी टाइम हो रहा है दिन के 3:30 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 14 के बाहर खड़ा हूँ मार्केट के पास। यहाँ विशाल मेगा मार्ट है, लास्ट स्टॉप मेरा यही हुआ था। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मतलब मेरे पास काफी मेरे सब्सक्राइबरों के मैसेज कमेंट्स में आते हैं, तो काफी लोग जानना भी ये चाहते हैं कि मतलब अगर हम गाड़ी लेना चाहें तो कौन सी गाड़ी ले और किस गाड़ी में बेनिफिट है। डिजायर गाड़ी लेते हैं तो उसमें मतलब बेनिफिट है या फिर वैगनर गाड़ी में है, तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको मैंने मतलब काफी वीडियो बना रखी है। आप अगर देखना चाहें तो मैं आज फिर से दोबारा से बताना चाहूंगा, जो भी भाई मेरे इस लाइन में आने की सोच रहे हैं तो उनके लिए मैं वैसे सजेशन मेरी तो यही रहेगी कि आप ना ही लें तो बेस्ट है। बाकी ये कि अगर आपको आपने ठान ली है काम करना ही है और इस लाइन में आपके पास जॉब नहीं है और काम मतलब तलाश रहे हैं कोई नया, तो इस लाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो इस लाइन में आने के लिए आपको एक गाड़ी कमर्शियल परचेस करनी पड़ेगी दोस्तों, जिसमें आप कमर्शियल में गाड़ियों का ऑप्शन काफी सारा है। ऑप्शन में आप वैगन आर भी ले सकते हैं, एटीओ सलेरियो ले सकते हो, गाड़ी छोटी उसमें चाहिए ठीक है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर छोटी गाड़ी ही सक्सेस है। और आप हैचबैक गाड़ी में अगर देखना चाहें तो डिजायर ले सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कमाई का कितना अंतर है, वो सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम वैगनर गाड़ी की। वैगनर गाड़ी में मतलब आप अगर सिर्फ दिल्ली NCR के लिए अगर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो मतलब आपके लिए सुटेबल वैगनर है, सलेरियो है, सस्ते उसमें चीप एंड बेस्ट है, मतलब जिसमें मारुति की मतलब जिसमें क्या है कि लो मेंटेनेंस गाड़ियां हैं ये मारुति की, तो सबसे ज्यादा सेल आउट भी यही होती है ठीक है। अगर आपको मतलब दिल्ली की सड़कों के हिसाब से चाहिए गाड़ी तो आप सलेरियो ले सकते हैं। बाकी अगर आपको दोस्तों ऑल इंडिया परमिट में जाना है, मतलब आपको दिल्ली से बाहर भी काम करना है, आउटस्टेशन भी लेना है और ओला उबर से हटके काम भी करना है, सपोज ओला उबर पे तो काफी मतलब ड्राइवर हाई है, अगर आपको सपोज ओला उबर से आप अटैच करते हो, ओला उबर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी गाड़ी किसी मतलब गुड़गांव MNC कंपनी में भी, नोएडा वगैरह में लग सकती है, होटल्स वगैरह में लग सकती है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप हैचबैक गाड़ी की डिमांड ज्यादा रहती है डिजायर वगैरह की। तो अगर आप ये गाड़ियां लेने की सोच रहे हैं तो इसमें ऑल इंडिया परमिट गाड़ी ही लेना हो, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया परमिट में आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको आउट स्टेशन जाने का भी मौका मिल जाएगा, आउट स्टेशन की बुकिंग भी आपको मिल सकती है। तो अब बात रही इनकी कमाई में कितना अंतर है डिजायर में और वैगनर में, तो दोस्तों ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मुश्किल से 10-12% तक का फेयर का मतलब डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज सेम ही रहती है, चाहे डिजायर ले लो चाहे वैगनर ले लो। कभी कभी तो वैगनर डिजायर का फेयर बराबर ही लपसम पड़ता ही है, सिर्फ 10-20-30-50 रुपए तक का अंतर आता है मोस्टली। और बाकी थर्ड ऑप्शन आपका एर्टिगा गाड़ी है, एर्टिगा गाड़ी आप लेना चाह रहे हो, 6 सीटर है। 6 सीटर में क्या है कि आपको आउटस्टेशन ऑल इंडिया परमिट में लोगी तो आउटस्टेशन बुकिंग मिल सकती है, आउटस्टेशन बुकिंग में आप अपने मतलब जो जिन पैसेंजरों को लेके जा रहे हो उनको भी अपना मतलब आप खुद अपना एक कार्ड छपवा सकते हैं जिसपे आप अपना डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं उस पैसेंजर को, के मतलब आपको खुद ही अपने क्लाइंट बना लोगे। तो मतलब ओला उबर में तो क्योंकि बुकिंग आती है बट वन साइड बुकिंग होती है, तो वन साइड में क्या है कि ज्यादातर ड्राइवर भाई को नुकसान ही होता है वन साइड में जाने पे, तो जब भी आप अपने क्लाइंट बना लोगे तो आप दोनों साइड का उससे फेयर मतलब ले सकते हो। तो एर्टिगा गाड़ी में दिल्ली NCR में काम कैसा है, दिल्ली NCR में वही काम है दोस्तों जो डिजायर वैगनर पे काम है। डिजायर वैगनर पे आपको क्या है कि थोड़ा थोड़ा मिलता मतलब अगर आप 12-15 घंटे करते हैं तो 2,000 से 2,500 या 2,500 से 3,000 तक का काम आराम से कर सकते हो। हाँ उसमें CNG आपको अलग से है, CNG 1,000 से 1,200 रुपए तक की CNG लगती है, जिसमें नेट प्रॉफिट आपका 1,800 से 2,000 तक का प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों। बाकी इसमें आपकी अगर नई गाड़ी है तो आपको अपनी किस्त निकालनी पड़ेगी, आपको अपना खुद का खर्चा, अगर आप सैलरी बेस हो तो आपको मतलब आपके मालिक का भी सैलरी निकालनी पड़ेगी आपकी अपनी, तो मतलब बहुत सारी चीजें दोस्तों। तो मेरी सजेशन तो यही है, जो भाई इस लाइन में आना चाह रहा है तो वो सोच समझ के आए, एक मतलब किसी के मतलब उसमें ना आए, 10 जगह फीडबैक ले हर चीज का, क्योंकि हम लोग तो हमारी गाड़ियां हैं फ्री अभी
ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे कि अभी इस लाइन में जो काफी बंदे सोच रहे आने की, तो वो ना आए तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट रहा नहीं है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हो सीएनजी के प्राइस मतलब दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट का स्केल था वो बहुत डाउन हो चुका है, तो प्रॉफिट बहुत कम है। मतलब ये लगा लीजिए 2000 का काम होता है तो इसमें से 700-800 रुपए ही बच पाते हैं, बाकी जो वो है वो खर्चा सारा 50% सीएनजी में चला जाता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।